DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. कल जो जवान शहीद हुए वो बहुत ही निंदनीय घटना है. जिस तरह से इतने जवान मरे हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पहले. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जो देश को इधर उधर गुमराह कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान, कभी उसके उनकी कोई खुद की कोई रूपरेखा नहीं है कि जिस तरह का हमला हुआ है उस पर उनका कोई विचार या टिप्पणी, ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं है कि देश को लगे कि उन्होंने कुछ करा है. जहाँ वो हिंदू मुसलमान NCR विभिन्न बातों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो वक्त में जिस फेस पर आके उनको बोलना चाहिए कि देश ऐसे संकट में है, उस समय उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी. ना आज कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है, ना ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई रूपरेखा बनाई है उन्होंने कि देश को किस तरह से वो निजात दिलाएंगे. आज जो इतना बड़ा हमला हुआ है उसके लेके उनको एक रूपरेखा बनानी चाहिए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया. लेकिन वो केवल हिंदू मुसलमान इधर उधर की बातें, 36 इंच का सीना कहाँ गया वो सीना. आज तक आज एक अखबार पेपर में लिखा है कई सालों बाद, 47 साल बाद ऐसा हमला हुआ है. आप देखिए कि इससे पहले भी कई देश के नेता बने होंगे, प्रधानमंत्री आए होंगे, लेकिन ऐसा हमला नहीं हुआ. तो जिस कितनी निंदा की जाए इन शब्द की, वो बहुत अपराधी है, बहुत घोर निंदनीय है कि देश के प्रधानमंत्री मौन हैं. जहाँ आके उनको बोलना चाहिए, अलग से एक बटालियन बनानी चाहिए, इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए. अगर हमारे सैनिक मरे हैं तो उनसे डबल उनके जवान मरने चाहिए. चीन को एहसास होना चाहिए कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास. चीन को अपने ऊपर घमंड हो चुका है, वो ये सोचता है मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं सब पर जो भी आक्रमण करूँगा मेरे पास शक्ति है, परमाणु. और चीन ने एक छोटा सा एक वायरस छोड़ा है जिससे पूरी देश संकट में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज तक भी उसका कोई जवाब नहीं दिया. देश ऐसे संकट से जूझ रहा है, उस वक्त भी उनकी ये स्थिति है. उनको खुलकर आना चाहिए, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए. सागर मीणा, सचिव, हरिओम कॉलोनी. बड़ा दुख का विषय है, जिन सैनिकों के नाम पर लेकर मोदी सरकार यहाँ भारत सरकार में आई थी, आज उन्हीं सैनिकों की निशंस हत्या की जा रही है. एक तरफ चाइना कुटराघात कर रहा, एक तरफ नेपाल कुटराघात कर रहा, और एक तरफ पाकिस्तान हमें आँख दिखा रहा है. तो आज उन्हीं मोदी जी से हम निवेदन करते हैं, जो 56 इंच का सीने की जो बात करते थे, आज वो 56 इंच का सीना दिखाए और देश के जो 130 करोड़ जनता है उसको दिखाए कि हम भी उनको जवाब दे सकते हैं. हम भी हमारे सैनिकों को जो उन्होंने जो निशंस हत्या किए, हम उनका ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं. अशोक सुकरिया, अतिरिक्त मुख्य संगठक, सेवादल, अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी.